हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पास्ता की। इस पास्ता रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। तो चलिए इस पास्ता रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले पास्ता को उबाल लेंगे। पास्ता को उबालने के लिए हम पानी ले लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी नमक और तेल डाल देंगे। जब पानी में उबाल आने लगे तब हम पास्ता को डाल देंगे। पास्ता को हम एक बार चला लेंगे ताकि पास्ता अंदर में जाके चिपके ना। हम इसे 4 से 5 मिनट तक उबाल लेंगे। तो देखिए, हमारा पास्ता जो है बॉईल हो चुका है। इसे हम ओवर कुक नहीं करेंगे। तो पास्ता को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, इसे हम फटाफट से निकाल लेंगे। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल ले लेंगे। अब तेल जब गर्म हो जाएगी तब हम इसमें 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक ही इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए, प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही साथ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ भी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी मटर डाल दूंगी और यहाँ पर मैं साथ ही साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गाजर भी डाल दूंगी। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे लगभग 2 मिनट तक। तो देखिए, हमने यहाँ पर गाजर को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ कैप्सिकम डाल देंगे और थोड़ा सा कैबेज यानी कि पत्ता गोभी भी डाल देंगे। अब इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर लगभग 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज की कटी हुई टमाटर डाल देंगे और साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। टमाटर के साथ भी हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे सब्जियों के साथ मिला लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसमें और इसे हम ढककर लगभग 2-3 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो देखिए, सब्जियां भी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सब्जियों के साथ मिला लेंगे। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता को डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम पास्ता के साथ मिला लेंगे। अब इसे हम लगभग 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब हमारा पास्ता लगभग बनकर तैयार है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून चीनी डाल देंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, हमारा जो पास्ता है बनकर तैयार है। आप भी इस पास्ता रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए, मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।